हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 खेलता था या अमेरिकन ट्रक सिम्युलेटर 2 खेलता था, उसमें बारिश होती थी, बर्फ कब से होने लग गई। जी हाँ, तो अब हम थोड़ा एडवांस्ड मॉड ट्राई कर रहे हैं, ट्रक को ऑन करते हैं, थोड़ा और मॉडिफाई करा है मैंने। देखो कितना कूल लग रहा है मुझे, मुझे तो कूल लग रहा है, आप बताओ भाई कॉमेंट सेक्शन में। V8 स्कैनिया हमारा R730 आई थिंक 730 या एंड V8 वाला है ये वर्जन। पीछे आप देखोगे तो मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन पीछे भी कर दिया है, अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो बर्फ़ पड़ रही है, सच्ची में बर्फ़ पड़ रही है। आज हम कहाँ पर हैं, और इसमें चलाने में दिक्कत होती है वो पता चलता है। स्लिप होता है देखो ट्रक इसमें। तो ये जो मॉड है इसका नाम है फ्रॉस्टी मॉड, ये विंटर मॉड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वर्जन 1.35 के लिए कंपैटिबल है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो हमारे लिए क्या होता है कि वो वर्जन चलता ही नहीं हमारे लिए, मॉड का वर्जन ही नहीं चलता। आई एम सो हैप्पी। तो आई थिंक मैं रेडिट पे था, रेडिट पे मुझे पता चला इस मॉड के बारे में, एंड बस मुझे इंस्टॉल करना था इसे किसी भी हालत में। आज हम क्या पिकअप करते हैं वो भी देखते हैं। देखो स्लिप, बहुत स्लिप होता है ट्रक। आज हम बिजोर का, बिजोर कहाँ पर है लेट्स सी। सो फ्रेट मार्केट में हम हैं अभी, नॉर्वे में क्रिश्चियनसन में, और क्रिश्चियनसन से हम जाएंगे न्यू कासल। इसमें दो और ट्रिप थी लेकिन वो बहुत ह्यूज है। वुडन बीम्स जो जाएंगी न्यू कासल हमारी यूके में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। तो 22 टन्स की हैं वुडन बीम्स, सैंड बिल्डर्स लेके जाएंगे। 573 किलोमीटर का लैंड डिस्टेंस है और 760 किलोमीटर हम जाएंगे फेरी में, यानी कि हम अब अपने शिप या बोट में। तो ये आता है अर्जेंट डिलीवरी के अंडर, तो हमें इसमें ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, कितनी स्लिपरी होगा, कितना गिरेंगे, टूटेंगे, फटेंगे। ओके, ऑफर 9 घंटे में एक्सपायर हो रही है, 28,440 यूरो मिल रहा है और 44 यूरोस पर किलोमीटर है। इस जॉब को टेक करने से पहले, उठाने से पहले, प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत हेल्प करता है। सो टेक द जॉब हो गया है, अब हम चलो अपना ट्रेलर उठाते हैं। वेयर इज आवर ट्रेलर, वो रहा ट्रेलर, जस्ट लुक एट दिस, बर्फ पड़ रही है एक्चुअली में, और जब ब्रेक मारते हैं तो फिसलता भी है ट्रक। ट्राई करते हैं आप, ओ तेरी, और ये करा हमने अटैच, बड़ी लाइट्स करो, टी लाइट्स अगर हम बंद करते हैं तो ऐसे बंद, और टी से कर अटैच। चलो बिगिन करते हैं अपनी जर्नी, धमाकेदार जर्नी है ये काफी। ओ भाई साहब, ये देख लो आप हमारे वुडन, कितने ज्यादा वुड लेके जा रहे हैं हम। खोल दो भाई दरवाजा, ये राइट में और गेट लगा हुआ है, और ये हमारे स्टावर्स के लोग बैठे हैं। कौन कौन फैन है स्टार वॉर्स का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यूरो ट्रक सिम्युलेटर का कौन फैन है भाई, जल्दी से लाइक करो अगर आप ETS2 के फैन हैं, और कमेंट भी करो अगर आपका मन करे। बहुत ज़्यादा तगड़ी बर्फ पड़ रही है क्रिश्चियनसन में। अभी मैं आपको मॉड के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, ये जो फ्रॉस्टी मॉड है। सो एक बार ट्रक को स्टेबलाइज कर देते हैं मिक्स स्पीड पे। हाँ, तो ये जो मॉड है, आई थिंक इसका नाम फ्रॉस्टी समथिंग समथिंग है, ये काम आता है, मतलब वेदर एनवायरनमेंट हम सब कुछ सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है।
जो जैसे बारिश है, बारिश की जगह इसमें ये कहता है ये मॉड वाला कि हमने ये सेट कर दिया है, स्नो सेट कर दिया है, तो जो रेन की सेटिंग्स है वही सेम लगते हैं इसके लिए, स्नो के लिए। और क्या क्या है, HDR, ब्लूम रिड्यूस, ये सब सारी डिटेल्स हैं उसके बारे में। हैवी विंटर, इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं, अगर आप हैवी, एक तो नॉर्मल फ्रॉस्टी मॉड है और एक हैवी मॉड है, हैवी विंटर। तो हैवी विंटर क्या करता है, हैवी विंटर हमें अलाउ करता है, क्या कहते हैं, सब हट जाओ भाई, हैवी विंटर हमें अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे बर्फ़ रखने का। आई थिंक इस एपिसोड में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इस एपिसोड को आप एंजॉय करो। जो मॉड का लिंक होगा वो तो एज यूजुअल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अगर बाई चांस मैं भूल जाऊँ देन प्लीज़ रिमाइंड मी, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। अरे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ओ ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको बर्फ कम करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। सेटिंग्स में गए, ऑप्शंस में गए, गेम प्ले पे गए। गेम प्ले में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे तो रेन प्रोबेबिलिटी रखी है, अगर इसको हम कम करेंगे तो उससे बर्फ कम पड़ेगी। अगर मैं हाफ पे रखूँ तो चांसेस हैं कि बर्फ पड़ते रहे और हम गेम कंटिन्यू करते रहे। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी कम करी है, थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रोबेबिलिटी को सेट होने में। जब आप एक्सेलरेट करोगे ना इसमें इतनी बर्फ में, तो ये तो पक्का है कि ट्रक फिसलने के चांसेस बहुत हैं। और आवाज़ें देखो कैसी हैं। अब अगर मैं अब एक्सेलरेटर दबाऊंगा ना तो ट्रक बड़ी तेज पकड़ लेता स्पीड। आवाज़ देखो ट्रक की, आवाज़ सुनो, देखो नहीं, वुप्स। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम अपने ओरिजिनल स्पीड पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि कितना स्लिपरी है रोड। अगर आपको थोड़े फ्रेम्स गिरते हुए दिख रहे होंगे वो इसीलिए क्योंकि ये मॉड काफ़ी हैवी है, गेम के लिए तो सारे मॉड हैवी ही होते हैं। हम पोलरिस लाइंस से राइट लेंगे। ओके, रिटार्डर्स में हमेशा इसमें ऑन रखने को फ़ायदा है, जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ोगे तो रिटार्डर्स अपना आप ऑन हो जाएंगे। लुक एट दैट, आगे से लेना है लेफ्ट, यू टर्न लेना है, सॉरी। मैप हमें वो चेंज करना ज़रूरी था, वरना हम पता नहीं कहाँ पे ठोक देते। चलो भाई, हमने जाना है हर्डशाल्स और फिर यहाँ से हम जाएंगे इधर एसबजर्ग, फिर यहाँ से हम जाएंगे इधर, जहाँ भी जाना था। एनीवेज
ट्रेवल करते हैं। रियलिस्टिक ग्राफिक्स मॉड, इसमें ये लिखा था कि रियलिस्टिक ग्राफिक्स मॉड नहीं चलता, लेकिन पता नहीं कैसे ये मॉड चल रहा है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। काफी सारे नेक्स्ट जेन मॉड्स हैं वो नहीं चलते हैं। ओह नाइस 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 नाइस, देखो 20 से कम है हमारा ट्रक। अब हम बर्फ पड़नी बंद हो गई है यहाँ पे, तो वाइपर्स को करो ऑफ। जस्ट लुक एट दिस ट्रक, V8 यहाँ पे लिखा हुआ है। आई जस्ट लव दिस। लाइटें बहुत ज्यादा है, इसको कम कर देते हैं। इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं है। टाइम क्या हो रहा है भाई? 6:56 हो रहा है भाई, नॉट बैड। वैसे ये अर्जेंट डिलीवरी है तो हमें तेज चलाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये वही जगह है जहां हमने एक बार फोटोशूट करा था, अगर आप लोगों को याद होगा। सीधे जाना है ना, सीधे जाना। क्या डिपर लग रहा है ना मतलब ट्रक में। और भाई साहब सब सही? हमारे यहाँ ब्रूनो साहब डॉक्टर कह रहा हूँ, डॉग भी बैठे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं रेडबुल को देखते हुए। रिटार्टर लगा दो। ओप्स, और ये लिया हमने लेफ्ट। कितनी अच्छी मतलब बर्फ पड़ी हुई है कि लाइक एंजॉयबल मैन। होए होए, लाइटें बहुत ब्राइट हैं इसीलिए हम कम कर देते हैं। अरे वो क्या फील दे रहा है यार ये, यही बहुत। अरे वाह, वो देखो जी वैगन गया फुल स्पीड में हमारे सामने से। काफी स्लिपरी रोड्स हैं पता चल रहा है। ये लैग करते हुए ना रिस्क मत लें, जो ये वाला रिस्क लिया था मैंने। गॉड वाव भाई साहब, बहुत अच्छा मॉड है यार ये। और इसमें ट्रैफिक तेज हो गया, कैसे हो गया भाई? ज्यादा लाइट है। ओ फिसला फिसला, काफी ज्यादा लाइट है यार। रिटार्डर ऑन करो ताकि धीरे धीरे ब्रेकें लगते रहे ऑटोमेटिकली। जैसे तो आप एक्सेलेटर दबाओगे तो अपना भी ओ तेरी, जैसे आप रिटार्डर लगा दोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका ट्रक स्लो होना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हो, जैसे मैंने मान लो कि रिटार्डर ऑन कर दिया एल के राइट में जो बटन है उससे, ठीक है, देखो ग्रीन कलर का एक आपको आइकन दिख रहा होगा ट्रक में। अगर मैं अभी मैंने एक्सेलेटर छोड़ा हुआ है, एक्सेलेटर में डब्ल्यू से दबाता हूँ, देखो ग्रीन हट गया। अब फिर से डब्ल्यू एक्सेलेटर हटाता हूँ, देखो अपना रिटार्डर लग गया। ओ ओ ओ ओ कहाँ ठुका भाई, पता नहीं चला मुझे तो। क्या डैमेज हुआ? ओ नो, काफी ज्यादा डैमेज हो गया ट्रक। ओ हो, 5% तो हमारा माल भी खराब हो गया। नहीं नहीं, 5% ट्रेलर 1% माल। ओ नो नो नो, 23% ट्रक भी गायब। ओ भाई साहब की। हाँ तो ये देखो, ये जो ये ट्रक इतना उछला क्यों मैं बताऊँ आपको? क्योंकि ये मॉडिड वाला ट्रक है। तो जो मॉडिड ट्रक्स होते हैं इसमें हमारा सस्पेंशन हाइड्रोलिक्स जो बिल्कुल फाड़ दिया हुआ है। लेकिन इशू ये है कि आप जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर से जंप करेंगे तो बस आपका ट्रक देखो क्या होगा। सेम हमारे साथ पीछे हुआ वहां पे, वो लैग। सिंस हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये, तो लैग होना तो जायज है। अब हमारी ट्रक की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, अगर आप देखेंगे ट्रक बीच बीच में बंद भी होगा क्योंकि यहाँ कोई रिपेयर शॉप नहीं है।
हलबॉग में राइट जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा। देखते हैं कि ये ट्रक बिना रिपेयर करवाए कहाँ तक जा सकता है, बाद में देख लेंगे अगर इश्यू देता है तो। इवन तो मुझे पता मैं गलत कर रहा हूँ। ओह नो, यहाँ से नहीं दिख रहा भाई। नहीं भाई, इन्होंने नहीं माना। बहुत ब्राइट है, मैंने एलईडीज गोगली लगाई हुई है ना। ये स्कैनिया का ट्रक हमारे साथ में बड़े स्विफ्टली करके निकल गया। रेफ्रिजरेटेड सामान लेके जा रहा है ये। कितना सुंदर मौसम है यार। ओ, राइट ले रहा है वो, लेफ्ट ले लेते हैं फिर। अगर स्पीड अगर हम गेन कर पाएंगे तो। वैसे इस ट्रक में फ्यूल है क्या? बहुत है, डैमेज तो बहुत गंदा वाला हो गया बॉस। ये रिस्क लेना कभी कभी सही नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया, ध्यान रखा करो। काफी कम लग रही है हमारे साइड पे रोड, राइट साइड में काफी बड़ा लग रहा है। लगाओ भाई रिटार्डर लगाओ। ये राइट वाला ट्रक बहुत पास में है। फास्ट एंड द फ्यूरियस थोड़ी खेल रहा हूँ मैं। लो जी, इंजन मेल फंक्शन रास्ते में ही, और हमने सेल्फ स्टार्ट कर लिया किसी तरीके से। आई डोंट नो आप लोगों को मेरे गेम्स में फ्रेम्स दिखते हैं कि नहीं। वो एक्चुअली जिस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ मैं, यानी कि एनवीडिया जी फोर्स एक्सपीरियंस, वो थोड़ा ना उसमें इश्यूज आता रहता है कभी कभी अपने आप ही। कभी कभी तो वो आप लोगों को दिखा देता होगा, जैसे फार्मिंग सिमुलेटर में उसने काफ़ी एपिसोड्स में दिखा दिया फ्रेम्स, लेकिन बाकी में नहीं दिखाया। देखा आपने कैसे उछलता है ये? तो अगर आप कहीं भी ठुकेंगे ना तो फिर आपका ट्रक ऐसे ही हवा में उड़ेगा, तो बी केयरफुल। मानता है। अच्छा, एक दिन हुआ था जब मैंने इंडिकेटर्स यूज किए तो लोग आगे नहीं आए। मैंने तो वाओ, इस गेम में ट्रैफिक ठीक हो गया। ये देखना, यहाँ कूदेगा? नहीं कूदा। ओह, कूदना चाहिए था ना वैसे। तो ये इस ट्रक की बहुत खूबी है, इसके जो फीचर्स है ना S730 के, किसी ना किसी तरीके से सेल्फ स्टार्ट कर करके हम ट्रक को चलते चलते चला लेते हैं।
ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं, देर इज नथिंग न्यू इन दिस। मुझे लग रहा है सामने वाली गाड़ी लेफ्ट ले लेगी। रिटार्डर्स ऑन करो। सीधे जाना, काफी लंबी रोड है भाई साहब। अब हमने फेरी में भी बैठना होगा, यहाँ पे भी। ये सामने वाले ट्रक को क्या हो गया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ऐसी हरकतें भी कर देते हैं ट्रक्स। ओ यहाँ पे क्या हो गया भाई, ट्रेलर जल गया भाई साहब का। हमारे जैसे ट्रक होगा तो लोगों के ट्रेलर तो चलेंगे ही चलेंगे। अरे भाई मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, इस गेम में भी ऑप्शन नहीं है स्किप करने का, वरना मदद कर देता। अब आप ये राइट में गायें देख रहे हैं, ये पता नहीं ये गायें जो हैं ये बर्फ क्यों खा रही है, क्योंकि इस गेम में जो हमारा मॉड है वो बारिश के लिए चल रहा है। बारिश में तो फिर ठीक है, घास के ऊपर बारिश हो रही है व्हाटएवर, चलता है। अब ये जो मॉड है इससे ही हमारी गाय नहीं हट जाएंगी, क्योंकि वो रेन के एनवायरनमेंट के सोच के चल रहा है। बर्फ है, वाओ। वो हमारा ट्रक ओवरटेक कर पाएगा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो बच गए। मुझे लग रहा था कि आगे डिवाइडर कुछ आ जाएगा, इसीलिए मैंने रिस्क ही नहीं लिया। ऐसे तो हम रिस्क लेते रहते हैं, लेकिन आज हमें रिस्क लेने में काफी डर लगा। गलत बात, फ्यूल तो बहुत है। एस जग से लिया हमने राइट। ब्यूटिफुल। ये नंबर 8 से जो ये कैमरा चलता है ना, एक्शन कैम, मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारे लेफ्ट में गाड़ी कोशिश कर रही है हमसे आगे जाने की, लेकिन हमने 90 किलोमीटर पर आवर पे बूस्ट पकड़ा और हमने इस प्रियस को करा बीट। अब आगे ब्रेक मारना पड़ेगा हमें, और हमारी प्रियस हमसे आगे निकल जाएगी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन तब तक तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हो गया बस, हो गया हो गया हो गया। बढ़िया 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 बढ़िया। कोई भी मेरे सामने मत आना। ये क्या लेके जा रहा है, कैरेवैन? ए भाई गोल चक्कर आ गया, गोल चक्कर। सीधे ही जाना है वैसे तो, गोल चक्कर से कोई मतलब नहीं है ज्यादा हमारा। एक प्रॉब्लम ये है कि हमने ना डिफरेंशियल लॉक का बटन डिफाइन करने की जगह उड़ा दिया, इसीलिए डिफरेंशियल लॉक नहीं चल रहा है। इस रोड पे डिफरेंशियल लॉक का बहुत काम आता है।
कोई बात नहीं, वो देख लेंगे बाद में, अभी ऐसे ही एंजॉय हो रहा है। ये लेफ्ट से कहाँ जाते हैं? वाह यार क्या रोड लग रही है, मतलब क्रिसमस आने वाला है ना, वैसी फीलिंग आ रही है गेम खेलते खेलते कि भाई क्रिसमस तो आ ही गया। अभी आवाज़ सुनना ट्रक की, ये देखो ये जो आवाज़ है ना, गोल चक्कर आ गया। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरे चक्कर गोल चक्कर ही मिस कर देता हूँ। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमारी जो शिप है वो पास में ही है। ये देखो जल्दी से ब्रेक मार दोगे तो कैसी आवाज़ आती है। एक बार मैं ब्रेक मार के दिखाऊंगा जब हम पास में पहुंच जाएंगे शिप के, तब देखते हैं कि कुछ चेंज होता है कि नहीं इसमें, इसके टायर्स में देखना है मुझे। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। चेर्नोबिल जैसा लग रहा है, चेर्नोबिल सीरीज अगर आप लोगों ने देखी होगी। भाई बड़ी ओ राइट में, मैकेनिक है। चलो 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 रिपेयर करके आते हैं, कितना डैमेज हुआ ये भी देख के आते हैं। इंग्लैंड के लिए लेफ्ट, लेकिन हमें जाना है रिपेयर करने। चलो भाई रिपेयर करो भाई, जल्दी से रिपेयर करो, बहुत नुकसान हुआ है। 36,868 का तो नुकसान हुआ है, और हमारे पता नहीं 24,000 यूरो ही कमाएंगे हम इस ट्रिप से। कोई बात नहीं भाई, बहुत पैसा है, बहुत हमारे ड्राइवर्स लगे हुए हैं इस चीज़ में। एक जो हमें अपग्रेड करना था वो पता क्या था, वो ये था। वापस इस पे जाओ, पहले तो ये मिनियन हटाओ, मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये डॉगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई लाइक डॉग्स। और यहाँ पे पीछे एक चीज़ चेंज करनी थी, तो देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऑप्शन है। सेंटूरियन ये वाला जो पहले लगा था हमारा, ठीक है, यहाँ LEDs लग जाती हैं। और एक ये था थॉर, थॉर में भी LEDs लगती है, मेरे को पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं एक बार जल्दी से चेंज करता हूँ, इसके जगह हम सेंटूरियन लगाते हैं वापस, और यहाँ पे लगाते हैं हम अपनी फेवरेट रेड LEDs। देयर इज़ रेड रेड स्ट्रोब लेफ्ट, ये है ना। अच्छा ये एक दो तीन बार होता है कि ये क्या करता है, ये ठीक लग रहा है। या आई लाइक दिस। यहाँ पे भी एक बार रेड स्ट्रोब का है। अरे भाई रेड कहाँ गया मेरा। अच्छा वापस नीचे जाना पड़ेगा, रेड स्ट्रोब पहला वाला। अब फिर लास्ट वाले में भी पहला वाला, साथ चल रही है ना, ठीक है। अब राइट साइड में भी ये करते हैं, एक ही बार सारी चलेंगी, रेड स्ट्रोक और ये रेड स्ट्रोक, ठीक है। ये कंफर्म कर देते हैं, कलर वलर कुछ नहीं चेंज करेंगे। ट्रक का वैसे सब सही है अभी तो, डार्क ब्लैक ब्लैक टाइप, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? ओह नो नो, दिस लुक्स फनी, दिस लुक्स नाइस, बट इसके साथ ये मैच कर रहा है मेरे हिसाब से, ये भी कूल लग रहा है ना। लेकिन ये असली तो पता है ब्लैक, ओह नो ब्लैक में अच्छा लगेगा, कोई और ब्लैक में है। हाईटेक फैसिनेशन, ये क्या हाईटेक था इसमें रे, कॉफी ब्राउन पायरेट्स, नहीं चल ही नहीं रहा हो तो रोड टू सक्सेस, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें चीज़ें छुप रही हैं, कहाँ गए हमारा कार्बन ऑलिव, नहीं, कुछ वाइन था कलर, क्राफ्टमैन गो वाइल्ड, कहाँ गया भाई, लिक्विफाइड ड्रीम्स ये था, ठीक है। कन्फर्म करो ऑर्डर और चलो भाई ट्रिप कंटिन्यू करो। ओह यस,
करना भाई स्टॉप, सही चल रहा है। थैंक यू, आप रुके, बहुत आभार हूं मैं। चलो सीधा, डेस्टिनेशन हमारा है एसबीजेक से हुल 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 1300 यूरोज। लेट्स एम्बार्क। पोलरिस लाइंस कितना किलोमीटर और रह गया होगा? गैस करो, गैस करो। आई थिंक अराउंड 100। लेट्स सी कितना टाइम रह गया भाई। ओह नो, 230 किलोमीटर्स। वाओ, ट्रक को हमने ऑफ क्यों कर दिया? ऑन करो। ओहो, पीछे जाना है, यहाँ से राइट लेना है। फिर बर्फ पड़ रही है, पीछे वाइपर लगाओ। लाइट चलाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ब्राइट लाइट्स लगाई हुई हैं। ब्राइट लाइट्स में थोड़ा कम दिखता है। ओह नो, जरूरत है। स्पीड कैमरास लगे हैं, लाइक आई केयर। ए ठोकियो मत, ए ठोकियो मत, बच गए। टाइम क्या हो रहा है वैसे यहाँ पे? 6:27, 6:30 बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के। और हमें कितना टाइम और लगेगा पहुँचने में? ये कह रहा है कि 23 घंटे में पहुँचाना है, ठीक है? और हम 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ये कोशिश करनी है कि हमारा ट्रक उड़ ना जाए हवा में। ये बर्फ को चीरते हुए हमारा ट्रक गया। बर्फ देखो, पानी बन रही है, जैसे बारिश वाला है, बिल्कुल बारिश वाला फीलिंग आ रहा है। अरे यार, लेफ्ट में मेरे को मिरर नहीं दिख रहा भाई, लेफ्ट में भी चाहिए यार मुझे ये। बर्फ जम गई है यार, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा था इस लेन में मैं, और ये सामने एक गाड़ी आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। उस सीमेंट रोलर के पीछे जाके फंस जा, मुझे अपने लेन में चलाने दो यार। ओ राइट लेना है। वाओ,
स्पीड में खो गया मैं। लेफ्ट लेन में रहने को कहा शायद। भाई हैवी रेन हैवी स्नोफॉल हो रही है, ठंड लग रही है मुझे तो आज, सच्ची में ठंड लग रही है यार। क्या बर्फ पड़ रही है, ये तो मस्त बैठे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे देखो, ओए होए फील हो रही है मुझे। वेट, ओ भाई भाई काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है यार। वो तो मैंने प्रोबेबिलिटी पे, एक्चुअली तुम कितनी प्रोबेबिलिटी सेट करते हो, मैंने प्रोबेबिलिटी मीडियम पे रखी हुई है। अगर मैं हाई पे रखूंगा तो 24 घंटे बर्फ ही पड़ती रहेगी इस गेम में, लेकिन जैसे आपका मन करे आप वैसे प्रोबेबिलिटी को सेट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बोला भूल गया शायद, नहीं मैंने बोला है, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करें तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है वो गाड़ी और उसका पचका हो गया, पचका हो गया इसका, पचका हो गया उस गाड़ी का। आई थिंक इस वेदर में बस चलाने में भी बहुत मजा आएगा। नाइस यार, छोटी छोटी डिटेल्स यार मजा ही कर दिया यार इस गेम में तो, बहुत मजा डाल दिया यार। और ये बॉस ओवरटेक कर रहे हैं हम, खतरनाक 19 फ्रेम आ रहे हैं हमारे, 19 फ्रेम। चलो ओ फिसल गया, यहां से लेना है हमने राइट न्यू कासल के लिए। काफी पावरफुल ट्रक है इसीलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे हमें इसी लेन में रहना चाहिए, कोई आके ठोक देगा यार। बाय द वे हमने ये रोड अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, अगर आप देख रहे होंगे जीपीएस में ये पहली बार ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज कूल। वैसे मेरे पहली जो प्रोफाइल थी ना फर्स्ट वाली, उसमें तो हमने आई थिंक मोस्टली सारे यूरोप कर लिया था एक्सप्लोर। इस वाले में हम कार्गो पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि कौन सा कार्गो लेके जाएं, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। गाड़ी दिख ही नहीं रही, देखो इतना बर्फ उड़ रही है।
उस विंडशील्ड पे यार नहीं दिख रहा। सर्विसेज, पेट्रोल है हमारे पास काफी है। कितने किलोमीटर का है वैसे? कोई आइडिया नहीं है। 1200 किलोमीटर का फ्यूल है हमारे पास। अरे बिंदास चल भाई। नींद तो नहीं आ रही ना भाऊ को? 8 घंटे। अरे पहुंच गए। ए भाऊ चल ले यार, पहुंचाने का यार अपने को सामान। लेफ्ट वाली लेन में रहो, पता चले कट आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है एक कट आने वाला है यहाँ पे। बच गए वैसे अभी के लिए। सीधा ही जाना है। अरे 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 अरे, केयरफुल केयरफुल केयरफुल। ये गाड़ी नहीं जा रहा यार सामने से। भाई मुझे निकलना पड़ेगा इसके पीछे से। ओह शुक्र है भाई साहब आपने लेन चेंज करी। सबसे ज्यादा परेशान करा है आपने हमें। अब हम जूम जूम करके जाएंगे आपके साइड से। क्या ये मॉड लगा के टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर अभी तक तो कोई चेंज नहीं दिख रहा मुझे कहीं, सब नॉर्मल ही है। कौन सी गाड़ी है? अरे अच्छी लग रही है। ये तो मर्सिडीज है पक्का, पता ही चल जाता है। ओ सॉरी हमने आपको डरा दिया थोड़ा सा। जब भी मैं लेन चेंज करने जाता हूँ मेरे सामने वाली गाड़ी या ट्रक वही लेन चेंज कर देता है। भाई इनको पता है भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा नेक्स्ट मूव। अरे फिर से इसने वही किया। मैं भी सोच रहा था कि लेफ्ट लेके इसको ओवरटेक करूंगा, इसने वही चीज मेरे पे अप्लाई कर दी। ओ भाई ठोकना नहीं है इसको, उड़ाना नहीं है। ओ धीरे भाव धीरे। वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम बर्फ पड़ रही है, हमें अपने राइट का फेंस का भी ध्यान देना है और लेफ्ट में ट्रैफिक का भी ध्यान देना है। नाइस, कम दिख रहा है यार। वो
मर्सिडीज ने बहुत परेशान करा है ना। ओए कहाँ जाना है? एक्सट्रीम वेदर हो गया यहाँ पे तो। एक्सट्रीम वेदर में हमारे जैसे अगर ड्राइवर चला रहा होगा क्या होगा वो लोड का और क्या होगा उस बंदे का। हमने लेफ्ट लेना था इसीलिए मैंने स्टंट मार दिया एक। दो लेन्स थी, मैं तो अकेला चला रहा था इस लेन में। अरे बर्फ कम ही नहीं हो रही, हमने सेटिंग्स नहीं चेंज करी तो इसका मतलब है कि बर्फ ही नहीं कम करोगे तुम। ओ यहाँ बर्फ नहीं है, यहाँ है। अमेजिंग भाई, इस मॉड के साथ मैं काफी इंप्रेस हूँ, दोनों स्कैनिया का मॉड भी और ये बर्फीला मॉड भी। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। न्यूकासल अपॉन टाइन, Once upon a time, Newcastle upon time. किसका वेट कर रहा है ये? उल्लू बनाते हुए हम निकल गए यहां से। अरे कैमरा चेंज, वेरी नाइस। टी से करा हमने कपलिंग अनकपलिंग और ये गुड वर्क के साथ ट्रिप हो गया, देखना कितना नुकसान हुआ होगा। भाई डैमेज पेनल्टी 1% और ले लिया हमसे। No worries. Please let me know अगर आप चाहते हो कि मैं ये फ्रॉस्टी मोड के साथ और एपिसोड्स बनाऊं। Let me know. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।